मध्य प्रदेश में 14.5 सालों से विपक्ष में बैठी कांग्रेस राज्य की शिवराज सरकार को घेरने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। इस बार कांग्रेस ने सरकार को चौतरफा घेरने के लिए अपने प्रवक्ताओं को मंत्रालय बांट दिए। अब ये प्रवक्ता सरकार की योजना और उनके क्रियान्वयन से लेकर भ्रष्टाचार के मामले उठाकर चुनावी साल में सरकार को घेरेंगे। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। प्रदर्शन, यात्रा और विरोध जैसे लोकतांत्रिक हथियार चुनावी साल में अब विपक्ष को फीके और कम असरदार लगने लगे हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है, वक्त कम है और मुद्दे बहुत, लिहाजा सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को अब मंत्रालय बांट दिए और हिदायत दी कि प्रवक्ता अपने मंत्रालयों पर फोकस कर जानकारी जुटाएं और सरकार को घेरें। कांग्रेस पार्टी में हमारे मीडिया चेयरपर्सन ने आला कमान से बातचीत करने के बाद तमाम सारे नए पुराने प्रवक्ताओं को विभाग भी बांटे, उनके कार्यक्षेत्र भी तय किए, जिसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और उद्देश्य हमारा बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी की रिसर्च और मजबूत हो ताकि मध्यप्रदेश की आम जनता का लाभ हो। आइए बताते हैं कि किस प्रवक्ता को किस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गयी। जेपी धनोपिया सामान्य प्रशासन, दीप्ति सिंह सहकारिता गैस राहत, पंकज चतुर्वेदी चिकित्सा शिक्षा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभा पटेल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, रवि सक्सेना लोक निर्माण विभाग, दुर्गेश शर्मा खनिज वाणिज्य उद्योग रोजगार, अमित शर्मा नगरीय प्रशासन एवं आवास, संजय श्रीवास्तव गृह एवं परिवहन, स्वदेश शर्मा जल संसाधन जनसंपर्क, फिरोज सिद्दीकी अल्पसंख्यक किसान कल्याण और किसान विकास, नूरी खान धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, सैयद जाफर पंचायत एवं ग्रामीण विकास, संगीता शर्मा महिला एवं बाल विकास। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस ऐसा प्रयोग पहली बार कर रही हो। इससे पहले भी साल 2014 में नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के नेतृत्व में कांग्रेस अपने विधायकों को मंत्रालय बांट शैडो कैबिनेट का गठन भी कर चुकी है। सरकार के मंत्रियों की तरह कांग्रेस ने अपने विधायकों को विभागवार जिम्मेदारियां भी दी थी, लेकिन ये सब कागजी बनकर रह गया। वहीं अब सत्तारूढ़ दल भाजपा कांग्रेस के इस नए प्रयोग पर सवाल उठाकर चुटकी ले रही है। देखिए, ये तो सत्ता के भूखे लोग हैं, लोभ में सब कुछ कर रहे हैं, इनसे सहन नहीं हो रहा है कि ये सत्ता के बाहर हैं, इसलिए आपस में जो जो करना चाहे वो कर रहे हैं। एक बार पहले भी स्वर्गीय कटारे जी ने पूरी शेडो पार्लियामेंट बना ली थी और पूरा विधानसभा भी चलाया और सब कुछ करा, तो ये तो सब कुछ नाना प्रकार के काम करते रहते हैं। और अभी से ये क्यों, अभी तो सिर्फ इन्होंने मंत्रालय क्यों बांटे, अभी ये भी बांट ले मुख्यमंत्री कौन, उप मुख्यमंत्री कौन, बाकी सब चीज़ें बांट ले। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे, हमारा उसके अंदर कुछ नहीं है। जनता यथार्थ में समझ में धरातल पे किसके पास है जानती है, और ऐसी चीज़ों का जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है, आप जाइए ना, इन लोगों की प्लेट लगा लगा के घूमेंगे हम इस मंत्रालय के, लोग हंसेंगे इनके ऊपर। कांग्रेस 14.5 सालों से विपक्ष में बैठी है, चुनावी साल है और कांग्रेस सूबे की शिवराज सरकार पर सियासी हमले तेज करना चाहती है। यही वजह है कि पहले कांग्रेस ने 32 प्रवक्ता और 26 मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किए और अब उन्हें मंत्रालय बांटकर चुनावी जंग में उतार दिया। जाहिर है कांग्रेस टीवी पोस्टर और अखबार से लेकर जनता के बीच जाने के लिए सभी माध्यमों पर सरकार के खिलाफ जबरदस्त घेराबंदी करना चाहती है। लिहाजा अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का ये प्रयोग उसकी मंशा पर कितना खरा उतरता है। INT24 के लिए कैमरामैन विक्की के साथ सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट।